देहरादून से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम पुष्कर धामी का औचक दौरा, जहां अचानक परेड ग्राउंड पहुंचे सीएम धामी। पीएम के दौरे को लेकर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और उससे पहले औचक दौरा सीएम धामी का, अचानक से परेड ग्राउंड पहुंचे सीएम धामी और यहां पर पीएम के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारी है, इसको लेकर अधिकारियों से चर्चा की। ये देखिए तस्वीर भी इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं, देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, अचानक से सीएम धामी पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की क्या कुछ तैयारी है, इसको परखने की कोशिश यहां पर सीएम धामी की। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ अधिकारी भी मौजूद और उनसे ये डिस्कशन करते हुए कि किस तरह की तैयारी है, क्या किसी तरह की कोई कमी है तो उसको पहले ही पूरा किया जाए, ये कोशिश। और इसी कड़ी में अचानक से सीएम धामी यहां पहुंचे, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दिखा रहे हैं। सीएम धामी के दौरे की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीएम धामी यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए अचानक से पहुंच गए, उनकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर यह तस्वीर सीएम धामी की इस वक्त। विशाल जनसभा जिसमें लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी तैयारियाँ देख रहे हैं कि सर प्रकार से हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी है, उसी के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन जो लगभग 4000 करोड़ की योजनाएँ जो पूरी हो गई हैं उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मंत्री जी का उत्तराखंड की जनता के साथ, उत्तराखंड के साथ उनका विशेष प्रकार का एक लगाव है, कर्म और मर्म का रिश्ता उनका यहाँ से है। कोविड को लेकर आज एक हम हाई पावर कमेटी की बैठक शाम को 5 बजे कर रहे हैं। तो अभी सीएम धामी को आपने सुना, शाम को एक बैठक भी करनी है और इसी बीच हमारे सहयोगी रामानुज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। सीधा रुख करते हैं रामानुज, सीएम धामी अचानक से प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे, क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल, राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली होने जा रही है। भाजपा ने दावा किया है कि तकरीबन 1 लाख कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस रैली स्थान, ये जो परेड ग्राउंड का है, वहां पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ जायजा लिया कि आखिर रैली की तैयारियां किस तरह से चल रही है, क्या और कहाँ कहाँ पर क्या सिक्योरिटी के व्यूवा पॉइंट से किया जा सकता है और रैली को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था कैसे की जा सकती है। भारी तादाद में जब कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए सेटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, तो पूरी रैली की जो एक तैयारी है उसको, उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। कई यहां पर सीनियर आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको ये भी बता दूं कि अपडेट अभी ये है कि यहां पर लगातार अधिकारी और दूसरे जो कर्मचारी हैं वो इस रैली स्थल का मुआयना भी कर रहे हैं, तैयारी भी चल रही है और अभी से ही यहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहला यहां का निरीक्षण था और जिस तरह से भाजपा ने दावा किया तकरीबन 1 लाख कार्यकर्ता आएंगे पूरे प्रदेश से, तो ये माना जा रहा है कि भारी तादाद में आने वाले कार्यकर्ताओं को अब सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर के सभी जो तैयारियां होंगी उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए और इसीलिए सीएम धामी अचानक से यहां पहुंचते हैं, तैयारियों का जायजा लेते हैं। बहुत शुक्रिया रामानुज आपका तमाम जानकारी के लिए।